तो मेगास्टार सलमान खान सभी फैंस को देने वाला एक चैट बस्टर सुपर हिट सरप्राइज, और ये सरप्राइज हमें मिलने वाला है साल 2024 रमजान की ईद पे। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको बता दें, आप सोच रहे होंगे कि कौन सी मूवी आ रही है सलमान भाई के साल 2024 रमजान की ईद पे। तो आपको बता दें, सलमान भाई की जो अपकमिंग मूवी है टाइगर 3 मूवी है, जो कि दिवाली के मौके पर साल 2023 में रिलीज होने वाली, यानी कि इसी साल में। अब इसके बाद सलमान भाई की कोई भी मूवी ऑफिशियली कन्फर्म नहीं हुई है। वैसे तो सलमान भाई के लाइनअप अगर स्टार्ट कर दिया जाए तो बहुत सारे मूवीज है, बहुत सारे डायरेक्टर्स इनके साथ काम करना चाहते हैं, जैसे कि करण जौहर, सूरत बड़जातिया जी और साजिद नाडियावाला किक 2 है, और बहुत सारे मूवीज है, अली अब्बास जफर, बहुत सारे डायरेक्टर सलमान भाई के साथ काम करने के लिए रेडी है, लेकिन सलमान भाई अभी स्क्रिप्ट सुन रहे हैं। तो अब कभी भी कन्फर्म भी अगर होती है मूवी, तो बता दें आपको टाइगर 3 तो दिवाली के मौके पर रिलीज होगी, और उसके बाद एक नई मूवी बनके रेडी होना और साल 2024 रमजान की ईद पे रिलीज होना, इतने कम टाइम में ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन फ्रेंड्स बता दें आपको, ये चीज को कंफर्म किया है कि सलमान भाई की मूवी साल 2024 रमजान की ईद पे आ रही है या नहीं आ रही है। तो बड़े मियां छोटे मियां जो स्टार कास्ट होने वाले हैं उस मूवी में, अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ है, तो उनके मूवी के मेकर्स ने कंफर्म किया है कि सलमान भाई की कौन सी मूवी आ रही है साल 2024 की रमजान की ईद पे। तो उन्होंने ये पता किया है कि कोई भी मूवी उनकी रिलीज नहीं हो रही है सलमान भाई की। तो इसको कंफर्म करने के बाद बड़े मियां छोटे मियां मूवी का रिलीज डेट रमजान की ईद साल 2024 पे फिक्स कर दिया गया है। तो ये हमें पता चल रहा है कि सलमान भाई की मूवी रमजान की ईद पे हमें नहीं देखने को मिलेगी। अब ऐसा कैसा हो सकता है, रमजान की ईद आ रही है और सलमान भाई की मूवी नहीं आ रही है? क्योंकि हर रमजान की ईद पे सलमान भाई की मूवी देखने की आदत फैंस को पड़ गई है। लेकिन बता दें आपको, सलमान भाई इससे पहले भी इसी तरह से रमजान की ईद पे उन्होंने मूवी नहीं रिलीज करके लॉकडाउन का मौके पे उन्होंने रिलीज किया था एक जबरदस्त चैटबस्टर सॉन्ग, जिसमें वो खुद गाते हुए नजर आए, भाई भाई सॉन्ग था, और उसके अलावा बहुत सारे सॉन्ग्स वो खुद आवाज में गाते हुए नजर आए। अब इस बार भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सलमान भाई बहुत ही बड़ा धमाकेदार चैटबस्टर सुपरहिट सॉन्ग का सरप्राइज देने वाले हैं, वो भी एक जबरदस्त एक्ट्रेस के साथ, क्योंकि सभी फैसिलिटीज अवेलेबल है सभी के लिए। तो सलमान भाई, क्योंकि अब इन दिनों में अब्रॉड यानी कि कंट्री के बाहर भी विजिट्स लगा रहे हैं, और वो विजिट्स किस लिए है, शूटिंग के लिए है, कोई सॉन्ग शूट कर रहे हैं या फिर मूवी का है, ये सभी को मीडिया रिपोर्ट्स वालों को भी नहीं पता चल रहा है। लेकिन इतना तो कहे कि सलमान भाई इस रमजान की ईद पे कोई ना कोई सरप्राइज देंगे, चाहे वो सॉन्ग के रूप में भी क्यों ना हो। रमजान की ईद आ रही है और सलमान भाई फैंस को सरप्राइज ना दे, ऐसा तो नहीं हो सकता। जरूर से जरूर एक जबरदस्त वीडियो सरप्राइज हमें सलमान भाई की झलक देखने को मिलेगी ईद के दिन। तो फ्रेंड्स, अगर सलमान भाई सॉन्ग के रूप में एक सरप्राइज देते हैं, तो सलमान भाई के अपोजिट में कौन सी एक्ट्रेस होनी चाहिए? क्या बॉलीवुड की एक्ट्रेस या फिर टॉलीवुड की एक्ट्रेस? क्या है आपकी राय, हमें जरूर कमेंट करके बताइए। वीडियो अपडेट अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाइए।